हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपको एक चूल्हे के बारे में। अगर आप भी प्लान कर रही हैं एक चूल्हा या फिर हॉब खरीदने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो में आपके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाली हूँ। ऐसे ही मेरे साथ भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं जब शॉपकीपर के पास हॉब के लिए गई, तो वहां पर मैंने जो दो तीन मेरे क्वेश्चन थे वो उनसे पूछे। सबसे पहले मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि जो बर्नर की जो फ्लेम होती है वो हॉब में कितनी होती है। तो वो कहने लगे कि इसका तो आंसर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सिलेंडर या फिर पाइपलाइन हम लोग यहाँ पर शॉप पर रखते नहीं है, तो वो फ्लेम तो हम आपको चेक नहीं करा सकते, तो ये तो आपको यूट्यूब पर ही देखनी पड़ेगी। तो घर आकर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, बहुत सारी वीडियोज देखी, लेकिन इस तरह की कोई वीडियो मेरे को नजर नहीं आई यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा जब भी मैं हॉब खरीदूंगी तो सबसे पहले एक यूट्यूब के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, ताकि और उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और बहुत सारे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इस हॉब के हैं वो भी मैं आप सबको बताऊंगी, ताकि जब भी आप हॉब खरीदने के लिए मार्केट जाएं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और एक बात और दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं कोई हॉब का किस कोई एड नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एक सिंपल वीडियो है जिसकी हेल्प से मैं आप सबकी हेल्प यहाँ पर करना चाहती हूँ। तो मार्केट में कुक टॉप और हॉब टॉप दोनों ही अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज के आजकल मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो इसमें से जो कुक टॉप होते हैं उनकी रेंज होती है 2000 से लेकर 15000 तक, और इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं हमारे हॉब। हॉब को आजकल हॉब टॉप का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि हॉब टॉप को आप स्लैब को कटवा के उसके अंदर भी फिट करवा सकते हैं और स्लैब पर इस तरह से इसको रख भी सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। जो कुक टॉप होते हैं उनमें वही पुराने वाले स्टाइल के बर्नर होते हैं, पहले दो का आता था दो बर्नर का, अब तीन और चार का भी आने लगा है। और जो हॉट टॉप होते हैं वो भी ऐसे ही हैं, तीन और चार में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये मेरा कैफ का है और इसकी जो रेंज है वो 35000 के आसपास है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, ये एक बार ली जाती है तो अंदाजन 10-12 साल तो आराम से चलता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अगर अपना इन्वेस्ट करते भी हैं तो ये आपके यूजफुल रहेगा। अगर आप ब्रास बर्नर का जो चूल्हा है वो परचेज करते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली जाता है, और बट इसकी जो लाइफ होती है वो काफी लंबी होती है। तो फ्रेंड्स, जो हॉब होते हैं इनमें दो तरह के बर्नर होते हैं, एक इंडियन बर्नर और एक इटालियन बर्नर। तो अगर आपको फास्ट कुकिंग पसंद है तो आप इंडियन बर्नर वाला हॉब परचेज करें, और अगर आपको स्लो कुकिंग पसंद है कि धीरे धीरे स्लो गैस पर धीरे धीरे आराम से सब कुछ हो रहा है, तो आप इटालियन बर्नर वाला जो हॉब है वो चूज करें। मेरे को फास्ट कुकिंग पसंद है, तो जल्दी जल्दी मेरे को पसंद है सारा काम फटाफट हो जाए, तो मैंने फास्ट कुकिंग के लिए ये वाला इंडियन बर्नर का जो चूल्हा है हॉब टॉप है ये मैंने चूज किया। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बातें हमारे हॉब के बारे में, और अब देख लेते हैं थोड़ा सा हॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल, और इसमें किस तरह का कौन सा बर्नर कैसा यूज हो रहा है, क्या क्या इसके जो एडवांटेज हैं वो हैं, और क्या क्या इसमें रोटी किस तरह की सीखती है वो भी मैं आपको वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, फाइनली चलिए आ गया है मेरा कैफ का हॉब, और टेक्नीशियन आ गए हैं इसको ओपन करने के लिए और इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे हमने इसको परचेज किया था तो उसके नेक्स्ट डे ये जो टेक्नीशियन है आ जाते हैं, और उन्होंने जो शॉपकीपर था हमसे मना कर दिया था कि आप इसको बिल्कुल भी ओपन मत करना, हमारे टेक्नीशियन आएंगे और वो खुद ही इसको आपके यहाँ सेट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और आपको प्रॉपर फ्लेम वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो बस अब ये देखिए, इसमें से जो बर्नर है सबसे पहले इसको साइड बाय साइड निकालेंगे और बहुत अच्छे से कितने इसको फिक्स कर देते हैं साइड में थर्माकोल वगैरह से, ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स है। और अब ये जो टेक्नीशियन भैया हैं ये इसको जो हॉब है उसको लेकर किचन में स्लैब पर सेट करेंगे। तो चलिए अब आपको लेकर चलूंगी मैं अपने किचन के स्लैब पर। तो आ गए हैं हम अपनी किचन में और अब देखेंगे टेक्नीशियन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो इसका पाइप का जो नोज़ल है उसकी फिटिंग करेंगे,
क्योंकि मेरे यहाँ पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन में होता क्या है कि आगे से जो नोजल है उसको चेंज करना पड़ता है। मार्केट से जो आता है वो नोजल इसमें सिलेंडर का होता है, क्योंकि पाइपलाइन हर एक के घर में नहीं होती, तो वो मार्केट वाले जो हैं जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो वो सिलेंडर का ही नोज़ल इसमें लगा कर देते हैं। तो ये भैया जब आते हैं तो ये इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये एक बार ये चेक कर रहे हैं कि गैस की जो पाइप है वो कहीं से उसमें लीकेज तो नहीं है, तो देख लिया है भैया जी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाइप जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी इस तरह से इसको जो हॉब है उसको उल्टा करके नीचे की साइड यहाँ पर इस नोज़ल को फिट करेंगे। तो इनको पाइप थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो उन्होंने गैस का जो हॉब है उसको साइड करके खिसका लिया उस साइड पर, और इसमें ये नीचे की साइड नोज़ल चेंज करके पाइप लाइन का नोज़ल लगा के उसको फिट कर दिया है। और अब ऊपर का काम होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 4 बर्नर हैं, ये वाला जो बर्नर है ये सबसे बड़ा वाला बर्नर है। तो इन चारों बर्नर में अब होगी इसकी सेटिंग। अब ये जो टेक्नीशियन है ये इसमें एक एक बर्नर में इस तरह से कुछ सेटिंग करेंगे, और उसके बाद कोई पेंच हटाएंगे और फिर यहाँ पर दूसरा पेंच लगाकर उसको सेट कर देंगे, और इसी तरह से सेम काम चारों बर्नर में करेंगे। और अब ये जो टेक्नीशियन है उसको जो उसकी चेक कर कर दिखा रहे हैं गैस की हॉब को, ये जो आवाज़ इस तरह से आ रही है इसका मतलब इसमें लाइट आ रही है, क्योंकि ये जो है बिजली वाला है। मार्केट में आजकल सेल वाले भी आने लगे हैं, लेकिन सेल वाला इतना ड्यूरेबल नहीं होता जितना कि बिजली वाला ड्यूरेबल होता है। और ये इस तरह से देखिए चारों बर्नर हैं। और अब इन टेक्नीशियन ने मेरे से पूछा कि आपको फ्लेम कितनी पसंद है, उस हिसाब से हम आपकी फ्लेम इसमें सेट कर देंगे जितनी में आप कुकिंग करना पसंद करती हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे को जिस हिसाब से फ्लेम चाहिए, ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे को फास्ट कुकिंग पसंद है, तो मेरे को फ्लेम की ज़्यादा से ज़्यादा नीड है। तो वो अब मेरे हिसाब से जो फ्लेम है उसको सेट कर रहे हैं, और ये एक एक सेट करके मेरे को दिखा रहे हैं। वैसे तो हम अगर हॉब लेते हैं तो हॉब को स्लैब कटवा कर उसके स्लैब के अंदर हम फिक्स करवाते हैं, लेकिन आजकल उसका नाम हॉब टॉप रख दिया है, तो आप उसको स्लैब पर भी रख सकते हैं और स्लैब कटवा कर अंदर भी फिक्स करवा सकते हैं। तो मैंने अभी उसको स्लैब पर ही रखा हुआ है, और स्लैब के अंदर अगर आप फिट करते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए जो मैंने बर्नर ये जो कैफ का हॉब लिया है ये काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, इसमें आप बीच का जो स्पेस है वहाँ पर भी कुछ सामान रख सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास है इसका, और सबसे बड़ी बात इसके जो बर्नर है फुल ब्रास बर्नर हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बर्नर है उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। तो मार्केट से आप परचेज़ करें तो फुल ब्रास बर्नर का ही जो हॉब है वो परचेज़ करें। तो यहाँ पर ये देखिए चारों जो फ्लेम है मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें, और ये वाला जो बर्नर है ये है हमारा ट्रिपल रिंग बर्नर, और ये देखिए नंबर 2 और नंबर 3 वो वाले बर्नर जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बराबर है। तो राइट पे सबसे बड़ा, फिर नंबर 2 लेफ्ट पे सबसे छोटा, और फिर सेम 2 बीच के हो गए। तो हर एक जो फ्लेम है उस पर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने चारों जो अलग अलग बर्तन इस पर रखकर भी दिखा दिए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बर्तन किसी से अड़ नहीं रहा है, और आप आराम से चारों बर्नर यूज़ कर सकते हैं एक बार में। तो इस तरह की जो फ्लेम है ये किसी भी वीडियो में नहीं थी, कहीं पर भी यूट्यूब की किसी भी वीडियो में आपको नज़र नहीं आएगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए ताकि आप जब भी कभी हॉब खरीदने जाएं तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने हॉब का टीका भी कर दिया है, और छोटा सा सतिया बना दिया है, और उस पर रोली और चावल से उसको सजा दिया है। तो अब आपको दिखा देती हूँ बर्नर पास से। तो यहाँ पर ये देखिए जो सामने वाले 2 बर्नर हैं ये इसमें जो है 2 तरह के होल हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा क्योंकि मैंने अभी पहले इसको ऑन किया था, तो ये कपड़े इसकी हेल्प से मैं इसको उठाऊंगी। ये एक हिस्सा हम इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं, इसको वॉश करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए जो अंदर के होल हैं, और ये साइड में जो है साइड वाले होल हो गए, और ये अंदर की साइड भी होल हैं इसमें।
तो इनसे भी फ्लेम आती है, और ये दो ये सेम वाले हो गए हैं, और ये इन दो से बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो राइट वाला है। तो इसकी भी जो रिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो छेद हैं इसमें किस तरह से हैं। ये देखिए, ये अंदर इसमें होल्स हैं, और फिर ये वाले हो गए छोटे वाले होल्स, और एक ये साइड में हो गए। तो ये भी ट्रिपल रिंग बर्नर हुआ, और ये हमारा डबल रिंग बर्नर है। तो इस हॉब में हो गए दो ट्रिपल रिंग बर्नर और दो डबल रिंग बर्नर। जो बड़े वाले दो लोटस हैं उनमें तो हैं ट्रिपल रिंग, और जो सामने वाले दो हैं उनमें है डबल रिंग। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ रोटी बनाकर। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, पहले जो लेफ्ट साइड का बड़ा वाला चूल्हा है, ये वाला, इन दोनों जो बर्नर हैं इनको बोलते हैं लोटस बर्नर, क्योंकि इनकी जो फ्लेम है काफ़ी खुली खुली और लोटस टाइप से आती है, और वो जो दो बर्नर हैं उनकी फ्लेम थोड़ी ऊंची आती है, तो वो नॉर्मल बर्नर बोले जाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इस पर हमारी रोटी बन रही है, मेरा तो दिल खुश हो गया ये गैस का चूल्हा लेकर। वाह, कितनी फूली फूली, मज़ा आ गया देखकर। और ये तो मैंने आपको दिखाई बड़े वाले, सॉरी छोटे वाले लोटस पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी सामने वाले जो दो चूल्हे हैं उनमें से किसी पर भी आप बना सकते हैं, दोनों पर बिल्कुल सेम रोटी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने सामने वाले दोनों चूल्हे पर। तो इसका जो बर्नर है ये देखिए, ये भी बहुत मस्त बर्नर है, और इस पर भी बहुत बढ़िया हमारी रोटी, क्या मस्त एकदम फूली फूली बन रही है, मेरे तो देखकर ही मज़ा आ गया। और यूज़ करने में तो बस कहने क्या, क्योंकि फ्रेंड्स जो रोटी होती है ना वो मेन हमारा मोटिव होता है, क्योंकि पराठे वगैरह तो हम नॉर्मली एक गैस पर बना लेते हैं, बट रोटी के लिए हमें प्रॉपर फ्लेम की नीड होती है। तो चलिए अब थोड़ा सा बताती हूँ इसके एक पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमारा राइट वाला जो लोटस का सबसे बड़ा जो चूल्हा होता है, इसमें क्या होता है, एक सेंसर है, जो तीन है उनमें सेंसर नहीं होता, इस एक में एक सेंसर दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जब हम इसको ऑन करें एक बार इसको इस तरह से प्रेस करके हमें रखना पड़ता है, तभी हमारी इसकी फ्लेम ऑन होती है। और नहीं तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में जैसे नॉर्मल तीन खोल रहे हैं वैसे इसको खोलते हैं तो ये जो है ऑफ हो जाएगी, और जब हम इसको स्लो करते हैं तो ये खाली बीच का इसका ऑन रहता है। तो ये अब आप इसको कह लीजिए चाहे नेगेटिव पॉइंट चाहे इसको पॉजिटिव पॉइंट, तो ये थोड़ा सा इसमें इशू है। अगर आप अमेजोन पर भी देखेंगे ना इसका, इस वाले मॉडल का रिव्यू, तो उसमें आपको ये एक दो रिव्यू में ये दिखेगा रिव्यू। तो जो टेक्नीशियन आए थे वो हमें ये बताकर गए थे कि हमेशा जब भी आप इसको ऑन करें तो सेंसर की वजह से इसको लगातार हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो मेरे को इस ये कोई ऐसा कोई ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, आपके हिसाब से अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे को बताइए। तो ये देखिए, इस वाले बर्नर में जो लोटस सबसे बड़ा बर्नर है, इसमें तीन तरह के होल हैं, और तो इनमें जो फ्लेम आती है तीन जगह से आ रही है, तो खाना काफ़ी फास्ट बनता है। और ये जो सामने वाले दो हैं इनमें आ रही है दो जगह से फ्लेम, और लेफ्ट वाले में आती है जो लोटस है तीन जगह से। तो ये इस तरह से ये बर्नर के जो जो सॉरी जो बर्नर हैं वो इस तरह से इनको डिवाइड किया हुआ है। तो किसी पे भी आप बनाएंगे इतनी बढ़िया हमारा खाना बनता है, रोटी बनती है। तो ये आप देख सकते हैं, पास से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसकी फ्लेम आती है, और ये फ्लेम जो है मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा वाली फ्लेम ही एडजस्ट करवाई है उनसे जो टेक्नीशियन आए थे। फ्रेंड्स, इसमें काफी सारी खूबियों के साथ साथ, यानी पॉजिटिव के साथ साथ, कुछ एक दो नेगेटिव भी हैं जो कि छोटे मोटे से हैं। एक तो इसका कलर ब्लैक होने के कारण ये जो है, इस पर गंदगी जो है, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ भी इसको यूज करते हैं तो हल्का सा भी आटा भी, अगर सूखा आटा भी अगर गिर जाता है तो बहुत गंदा लगता है, एकदम से उसको हमें साफ करना पड़ता है। बट ये जो है हमारी किचन की काफी ब्यूटिफिकेशन को बहुत बढ़ा रहा है, तो ये कुछ इसकी खूबियां हैं। और थोड़ा सफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें कि अंदर जब भी आप दूध वगैरह उबाल रहे हैं, चाय बन रही है, या फिर कुछ भी दाल वगैरह, कोशिश करें कि इसकी इनके अंदर ना जाए, क्योंकि फिर इनके खराब होने का थोड़ा खतरा ज्यादा होता है।
तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने इस वीडियो की हेल्प से कोशिश की है सारे वो पॉइंट्स क्लियर करने की जो कि जनरली हम सभी के माइंड में होते हैं जब हम एक हॉग खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि हॉग में कुकटॉप के मुकाबले थोड़ी सी फ्लेम कम होती है और कुकटॉप में हमारा जो खाना है काफी फास्ट बनता है, लेकिन आजकल जो नए हॉब आए हैं उनमें भी हम खाना उसी तरह से बना सकते हैं जैसा कि हम कुकटॉप में बनाते थे पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी इस हॉब टॉप या फिर किसी भी हॉब टॉप को लेकर कोई और पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही नई नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।